खबर वाटफनगर से, जहां दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। तोरफा गांव से लापता 10 साल के बच्चे का शव नदी किनारे मिला। इतना ही नहीं, बच्चे का सिर और धड़ दोनों ही अलग अलग जगह मिले हैं। परिजनों ने ये बताया कि 10 साल का बच्चा 2 अक्टूबर को अपने घर के बाहर खेलते खेलते लापता हो गया था। अपहरण की आशंका जताते हुए ग्रामीणों के साथ अलग अलग टोली बनाकर जंगल में ढूंढ रहे थे। पुलिस का ये कहना है कि बच्चे का सिर और धड़ अलग अलग मिला है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। शव पोस्टमार्टम के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज भेजने की तैयारी और इस मामले की जांच जारी है। यहाँ गांव के लोग, अगल बगल वाले के लोग मार के ही मर रही है वो, और अगल बगल के लोग ही मारे हैं। सौ जो है मुंडी कटा हुआ है और पूरा वो हो गया है, बॉडी देखने से एक दो दिन पहले ही मर रहा है वो। एक सौ नदी के किनारे मिला, जो बच्चे की सौ था, जो प्रथम दृश्य जो हत्या का मामला जो है प्रतीत हो रहा था। मौके पर पंचनामा कार्रवाई किया गया है, क्योंकि लाश सड़क टाइप के अवस्था में है, इसलिए मेडिकल कॉलेज पीएम के लिए भेजा जा रहा है।